नहीं, बहुत खुशी की बात है कि आज 27 स्टेट से हमारी यहाँ पर बेटियाँ बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, कबड्डी नेशनल लेवल अंडर 17 कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। और जयपुर के लिए भी बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। और ये सभी यहाँ पर बहुत ही, और जयपुर में बहुत कुछ देखने को भी है, तो एक हिस्ट्री का भी इनको बहुत कुछ नॉलेज इनकी बढ़ेगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत अच्छा है ये लोग सब, इनके घूमने का भी कार्यक्रम है। और अभी हमने देखा कल्चरल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे थे, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इन सभी बेटियों के लिए। ये अपने अपने स्टेट्स का नाम रोशन करने वाली है, यहाँ से बहुत सारे मेडल्स भी जीत के जाएंगे, और बहुत खुशी की बात है मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं सभी आयोजक कर्ताओं का भी धन्यवाद दे रहा हूँ। भविष्य किस तरह से देखते हैं बच्चों का? भविष्य बहुत ब्राइट है, क्योंकि स्पोर्ट्स को जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्पोर्ट्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं हर प्रकार से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, चाहे ये जितने भी हमारे स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए जितने भी स्पोर्ट्स से जितने बड़े बड़े हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स मैंने है, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने के लिए और इनकी अवेयरनेस को भी ज़्यादा क्रिएट करने के लिए कार्यक्रम भी बहुत सारे करते हैं, योजनाएं भी बहुत सारी हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जिसके माध्यम से ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, उनको सपोर्ट मिल सकता है। बीते 9 साल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है ऑल ओवर अगर बात ऑल ओवर इंडिया तो बहुत हुई है, लेकिन 5 साल में ज़्यादा राजस्थान में मैंने इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं देखा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर लेवल पर, चाहे ग्राम पंचायत लेवल पर भी स्पोर्ट्स पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। जो ये स्टेडियम्स बनना था पहले जब हमारी सरकार थी, जब मैं भी MLA थी, उस समय बहुत सारे बड़ा बजट था इसका और बहुत सारा काम भी हुआ था, लेकिन अभी 5 सालों में नहीं दिखा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, बिकॉज स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पर हर प्रकार से हमारे ये लोग हमारे देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं विश्व स्तर पर। तो ये इनको अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाए, इनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जब तक नहीं होगा, इन ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, कोचिंग पे ध्यान देना चाहिए, इनके हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, इनके खुद के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई पे भी ये लोग ध्यान देती हैं, वो भी साथ के साथ चलना चाहिए, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा में इनामी राशि ज़्यादा, तो यहाँ पे आपकी सरकार तो अभी सब, ये तो आगे की बात है, बिल्कुल होगा। मैंने जैसे कहा स्पोर्ट्स पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा, फोकस किया जाएगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारत में गेम्स का आयोजन किया जाता है स्कूलों के लिए, और विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं। हम इस बार बहुत लकी हैं कि हमें दिसंबर में पहले बीकानेर में और अब जनवरी में जयपुर में कबड्डी का राष्ट्रीय स्कूल गेम करवाने का मौका दिया गया है। इसमें 26 राज्यों और 3 संगठनों की कुल 29 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 387 बच्चे और उनके साथ उनके 80 कोचेज़ और ऑफिशियल्स आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ग्रैंड, मैं समझता हूँ, आयोजन है, और आने वाले समय में 3 और प्रतियोगिताएँ राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर की आयोजित होंगी वर्ष 23-24 के सेशन में, और आने वाले वर्षों में हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा प्रतियोगिताएँ राजस्थान में आयोजित हों। और आपने जैसा कि देखा है कि बच्चों में बहुत उत्साह का माहौल है, इतनी सर्दी के बावजूद बच्चे जो हैं साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से भी आए हैं, त्रिपुरा के बच्चे भी हैं और तमिलनाडु के बच्चे भी हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चे भी हैं, तो इससे बच्चों को आपस में एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलता है, और हम इन्हें राजस्थान की और जयपुर की संस्कृति से और टूरिज्म से परिचित कराने का भी कार्यक्रम अगले 2-3 दिन में आयोजित करेंगे। ये प्रतियोगिता 6 दिन के लिए आयोजित की जा रही है। राजस्थान के जो स्कूली छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको आगे बढ़ाने का क्या प्लान कर रखा है? देखिए, अभी जो बहुत सारी जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ हो रही हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी टीमें भेजें। इसके लिए जो हमारे स्कूल लेवल पे जो कार्यक्रम हो रहे थे, उन सारे कार्यक्रमों में, उन प्रतियोगिताओं में जो अच्छे बच्चे चुने जा रहे हैं उनको सिलेक्शन के लिए मौका दिया जा रहा है। जो कैंप्स हैं हमारे, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम PTIs को एनकरेज कर रहे हैं कि वो अच्छे बच्चों को प्रमोट करें ताकि अच्छी टीमें राजस्थान से जाएँ और राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा मेडल वो लोग जीतें। सर, शिक्षा विभाग की ओर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को दिल्ली ले मुझे इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि ये क्या कार्यक्रम है। मुझे नहीं लगता कि 9वीं से 12वीं के बच्चों को किसी मेले में भेजने में कोई ज़्यादा बड़े टेंडर की आवश्यकता है। हम लोग लोकली मैनेज करके भी बच्चों को भेजेंगे, प्रतियोगिताओं से बच्चों को महरूम नहीं रहने देंगे। सर, नया सत्र कुछ नया लेकर के आएगा शिक्षा विभाग? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जैसे ही हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ज्वाइन करेंगे, उनके विज़न के हिसाब से और राज्य सरकार के विज़न के हिसाब से हम लोग अपने कार्यक्रम तैयार करेंगे।